हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश। आज हम आए हैं एमबी हुंडई वर्ना का रिव्यू करने के लिए। हुंडई वर्ना इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रीमियम लग्जरी सेडान में गिनी जाती है। हर आदमी इस गाड़ी का फ़ैन है, क्योंकि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि हर आदमी इसको देख करके इसका फ़ैन हो जाता है। लेकिन लोगों के बजट में ना आने की वजह से इस गाड़ी को लोग बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसके बेस वेरिएंट को अगर लेने की सोचते भी हैं तो उसमें उनको फीचर से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए हुंडई ने इसके सेकंड बेस वेरिएंट में ये सारी कमी को पूरी कर दी है, जिसकी वजह से ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है और लोगों को फीचर से भी हाथ नहीं धोना पड़ रहा है। टोटल इसमें 5 वेरिएंट आते हैं। आपको ई, एस प्लस, एस एक्स ऑप्शनल टर्बो। फ्रंट से गाड़ी वाकई में काफ़ी प्रीमियम लगती है, आप देख सकते हैं फ्रंट की ग्रिल वगैरह। यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम में आपको पूरी ग्रिल मिलती है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। हुंडई का लोगो भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इस वेरिएंट पे आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन में ही आपको मिलता है। नीचे फॉग लैम्प का भी ऑप्शन नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। मिड साइज सेडान में ये गाड़ी आती है। 4440 mm की लेंथ मिलती है, 1729 mm की वेट मिलती है, 1475 mm की हाइट मिल जाती है। टोटल व्हील बेस 2600 mm मिल जाता है इसमें। साइड से गाड़ी और भी ज़्यादा लंबी चौड़ी लगती है, काफ़ी एक मजबूत सेडान वाली फीलिंग भी आती है इसमें। व्हील्स को आप देख सकते हैं, व्हील आर्च भी ठीक मिलता है सेडान के लिए, क्या ही व्हील आर्च। टायर साइज की बात करेंगे 195/55R16 inch के स्टील रिम्स मिलते हैं, साथ में ये व्हील कवर है, आप देख सकते हैं। अलॉय व्हील्स नहीं है। यहाँ पे आपको वार्बियंस मिल जाते हैं, साथ में बॉडी कलर में मिलते हैं। इस पे आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं। फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर की मिल जाती है। ये पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का, जो 115 PS की पावर देता है 144 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ऑटोमेटिक में भी आ जाती है और टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल में। रियर की प्रोफाइल आप देख सकते हैं, रियर से गाड़ी और भी ज़्यादा शानदार लगती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है रियर से। टेल लैंप इसकी काफ़ी शानदार है, जो हाइलोजन में बेस में मिलते हैं इस वेरिएंट में। इंडिकेटर, रियर बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर में ही बम्पर मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बम्पर मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इसके लुक को इन्हेंस करता है, देख सकते हैं। क्रोम की फिनिशिंग कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है बम्पर के नीचे। वर्ना की बैजिंग, हुंडई का लोगो। इस वेरिएंट में आपको कोई भी रियर कैमरा देखने को नहीं मिलता है। टेल लैम्प, साक्षी एंटीना। रियर की लुक मुझे और भी ज्यादा इसकी शानदार लगती है। साइड से आप गाड़ी को देख सकते हैं, काफी लंबी सेडान है। चलिए इसकी बूट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 लीटर का आपको बूट मिल जाता है, जो सेडान के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी है। 5 लोगों के ट्रिप के लिए इसका बूट काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, 5 लोगों का लगेज आसानी से इसमें आ जाएगा। चलिए इसे बंद करते हैं। अब रियर सीट कंफर्ट भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप कार को। डुअल कलर में आपको डोर भी मिल जाता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, साउंड,
टोटल इसमें 4 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। रियर सीट देख सकते हैं आप, फैब्रिक में आपको मिलती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस वेरिएंट में आपको। देख सकते हैं आपको कितना बेहतरीन कंफर्ट मुझे मिल रहा है, लेग रूम काफी ज्यादा शानदार मिल रहा है। ग्रैब हैंडल्स, रीडिंग लैंप, रियर इवेंट्स, इसी वेरिएंट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको यूएसबी चार्जिंग की पोर्ट वगैरह सब मिल जाते हैं रियर में आपको। कुछ इस तरह का इंटीरियर दिखता है हुंडई वर्ना 2022 का। चलिए फ्रंट की सीट चेक कर लेते हैं। डोर को आप देख सकते हैं काफी वाइड ओपन होता है वरना का डोर। यहाँ पे आपको ओआरबियंस और विंडो के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआरबियंस मिलते हैं, वाटर होल्डर्स, स्पीकर। इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट वेरिएंट होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। आप देखते हैं ड्राइवर साइड हाइट के लिए कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। पैडल्स, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प के। चलिए गाड़ी में हम बैठ गए हैं, अब गाड़ी को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील इस वेरिएंट पर नहीं मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं आपको थोड़े बहुत। यहाँ पर एनालॉग में आपको MID मिलती है जो काफी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ ये सपोर्ट करता है। सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, काफ़ी स्मूथ है। बटन्स वगैरह से भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली AC मिल जाता है, जो AC की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हुंडई की सभी गाड़ियों की होती है। यहाँ पे आपको USB मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है, फोन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, गियर लीवर्स, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, बॉटल, यहाँ पे आपको अम्ब्रेस के नीचे भी जगह मिल जाती है। देख सकते हैं आपको ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है, कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड काफी बड़ा, वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी। IRVMs आपको मैनुअली मिलते हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प, ग्लास होल्डर्स, दोनों ही साइड आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो रहा हुंडई वरना सेकेंड बेस वेरिएंट का रिव्यू S+। अगर इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको 9.81 लाख रुपए एक्स रूम मिल जाती है MB हुंडई। अगर इस गाड़ी को आप परचेस करना चाहते हो तो MB हुंडई गोरखपुर UP पे जरूर संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरह के डिटेल्स मिल जाएंगे शोरूम के रिगार्डिंग। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी सभी ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।